कला कला धर में छा छेड़ा बेचा कला कला धर में छा छेड़ा बे चारे कला धर में छा छेड़ा बे चा। हम मैट्रिक लिखे थे 2007 में, तो उसके बाद जो हमारा लगाव इसमें देखे कि हमारे अपने समाज के प्रति ज़्यादा बढ़ने लगा। हम घूमते थे सब बाबा लोग साथ में कि यहाँ वहाँ जाते थे, तो इससे लगाव बढ़ा। तो हम देखे कि उस समय ये नहीं मिलता था, आपका किताब उताब लिखा हुआ कहीं नहीं था उसमें, बहुत कम ही मिलता था जो कि हमको हम लोग के जैसे लोग देख के पढ़ के गा सके। धार्मिक स्थल जो सबसे बड़ा स्थल है सिरसिता नाले, सिरसिता नाले बोलते, सिरसिता नाले नू बोलते हैं, तो मतलब ये कुड़ुक वर्ड है, सिरसिता नाले नू मतलब सिरसिता गांव का एक दोन में। आप जो घड़ी देख रहे हैं ये क्लॉक वाइज नहीं है, सबसे पहला बात ये एंटी क्लॉक है। देखिए ये दहना से लेके बायां घूम रहा है इस तरह का, देखिए है ना, क्योंकि देखिए ये और इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक के अनुकूल, मतलब ये घड़ी प्राकृतिक के अनुकूल है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो घूर्णन करता है वो दहना से लेके बायां होता है इस तरह का। और हमारा संस्कृति में जैसे हम लोग नाचते गाते हैं, नाचते भी हैं दहना से नाचते हैं हम लोग पूजा भी करते हैं तो दहना से परिक्रमा करते हैं हम लोग, मतलब कोई भी काम है जैसे हल जोतते हैं एक एग्जांपल में, तो हल भी जोतते हैं तो हम लोग दहना से लेके घूमते हैं। खास बात इस दुकान में जो हम आज तक देखे नहीं है, बहुत सारी दुकानों का मैंने कवरेज किया है, यहाँ पे बड़ा घड़ी तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाथ के लिए भी घड़ी मिल जाएगा, और ये बिरसा मुंडा यहाँ पे बना हुआ और ये भी सीधा चल रहा है, हम सीधा ही कहेंगे ये भी सीधा चल रहा है। हाँ, तो बच्चों के लिए यहाँ पे घड़ी मिल जाएंगी, बड़ों के लिए भी घड़ी है क्या? ये बड़ों के लिए भी है। यहाँ पे अंदर में लड़कियों के लिए आभूषण आपको दिख जाएंगे, गले का हार, कान का हार, चूड़ियाँ जो बिल्कुल लाल पाट साड़ी के साथ सेट कर रही हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए अमित की दुकान इस चीज़ के लिए भी जानी जाती है कि अमित के पास आदिवासी घड़ी है। अमित कै राजधानी में कै सारे बाजार वगैरह लगते हैं, कै सारे मेला वगैरह रखते हैं, तो ये घड़ी ज़रूर वहाँ जाते हैं बेचने के लिए। अमित थोड़ा सा नज़दीक से हमें दिखाइए घड़ी, ये आदिवासी घड़ी की क्या खासियत है ये अमित ही हमें बताएंगे। अमित क्या खासियत है, आप ही हमें बताइए। देखिए ये आप जो घड़ी देख रहे हैं ये क्लॉक वाइज नहीं है, सबसे पहला बात ये एंटी क्लॉक है। देखिए ये दहना से लेके बायां घूम रहा है इस तरह का, देखिए है ना, क्योंकि देखिए ये और इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक के अनुकूल, मतलब ये घड़ी प्राकृतिक के अनुकूल है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो घूर्णन करता है वो दहना से लेके बायां होता है इस तरह का। और हमारा संस्कृति में जैसे हम लोग नाचते गाते हैं, नाचते भी हैं दहना से नाचते हैं हम लोग पूजा भी करते हैं तो दहना से परिक्रमा करते हैं हम लोग, मतलब कोई भी काम है जैसे हल जोतते हैं एक एग्जांपल में, तो हल भी जोतते हैं तो हम लोग दहना से लेके घूमते हैं। तो इस तरह का और भी एक एग्जांपल, जैसे कोई प्राकृतिक में जो लतर होता है ना लरंग, तो वो भी आपका देखिएगा दहना से लेके चढ़ता है। इस मतलब कोई ऐसा अगर उल्टा एकाठो चल रहा है तो वो हम लोग का दवा का भी काम आता है, ये भी जानना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। जो अलग जो घूम रहा है उसका तो हमारे जो बहुत से जड़ी बूटी वाले जो काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि उसका दवा का भी काम आता है। तो ये आदिवासी घड़ी की खासियत ये है कि ये दाएं से बाएं की ओर बढ़ती है, और जितनी घड़ी आप देख रहे हैं इवन जो हम पहने हैं ये बाएं से दाएं जा रही है, लेकिन आदिवासी घड़ी अगर आपको आपको घर में लगाना है तो इसकी खासियत यही है कि आदिवासी समाज में हर काम, हर शुभ काम दाएं से शुरू होता है ना, तो आपको लिपाई भी करते हैं जो ना, लिपाई भी ऐसे करते हैं, पहले भी ऐसा करते हैं, तो ये समझिए ये उल्टा घड़ी नहीं बोलेंगे इसको, बहुत कोई अभी बोलते हैं हम लोग को कि उल्टा घड़ी, लेकिन देखिए ये एक्चुअली हमारे हिसाब से ये सीधा है, अभी आज तक जो लोग देख रहे हैं वो एक उल्टा है। चलिए, तो आदिवासी समाज किस तरीके से प्रकृति की ओर बढ़ता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है, इस घड़ी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और ये घड़ी अमित ही रखते हैं, अमित क्या प्राइस है इस घड़ी का? ये हमारा घड़ी का प्राइस स्टार्टिंग प्राइस दूसरा हमारे 250 से स्टार्ट है, हमारे 500 तक का है, ये आपका 400 रुपये का पड़ेगा। सरूल में आप अपने दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सरूल का गिफ्ट हो सकता है। ले रहे हैं जैसे कि गृह प्रवेश हुआ तो सबसे ज़्यादा चॉइस इसका है, इनका है, फोटो का है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास बहुत डिमांड है। यही डिमांड नहीं है, ये बाहर का आपको असम बंगाल तरफ भी हमारा डिमांड होता है, बट कुछ कारण के
मतलब का इसका पैकेजिंग नहीं करने के कारण हम लोग डिलीवरी नहीं कर पाए थे, बट इसका भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया कहीं भी हो हम इसको डिलीवर करेंगे। हाँ, इसको डिलीवरी करेंगे, बहुत जल्द इसका हम लोग कर रहे हैं। और देखिए अंदर में ये डंडा कटा बना हुआ है, इसकी इसकी इसके बारे बताइए थोड़ा। लोग बहुत कोई ये जानना चाहते हैं कि ठीक है दायां से बायां तो समझ गए हैं, पर ये अंदर में क्या बना हुआ है? ये डंडा कटना एक्चुअली ये हमारा धार्मिक प्रतीक है, समझिए। ये इसका महत्व बहुत मतलब अलग मतलब ज़्यादा है। सबसे बड़ा चीज़ हमारा डंडा कटना ही होता है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे नया कोई भी काम करते हैं, जैसे हम दुकान उद्घाटन ही किए, चाहे नया बाबू का जन्म हुआ उसमें भी करते हैं हम लोग, जैसे कि शादी करते हैं उसमें भी डंडा कटना करते हैं, गृह प्रवेश में करते हैं, मतलब जितना भी नया काम शुभ काम करना है तो हम लोग डंडा कटना करते हैं। डंडा कटना इसलिए करते हैं कह के देखिए बहुत सा होता है कि इसमें मतलब जो भी हम लोग का नज़र गुजर जो बहुत सा चीज़ होता है ना, ये सब तो हम लोग का जो भी है जितना भी बुरी चीज़ प्रभाव जो है उसको ये दूर करने के लिए किया जाता है इसको। तो ये आदिवासी समाज में आदिवासी परिवार इसको भले भांति समझता है, लेकिन जो हमारे बाकी दर्शक हैं जो ये समझना चाहते हैं, तो थोड़ा हम अमित से हमने जानकारी ले ली है। हाँ, फिलहाल देखिए खास बात मैंने शुरू में कहा कि ये जो दुकान है ये कम से कम 15 से 20 साल पुराना है। जो आजा दादू थे उन्होंने इस दुकान की शुरुआत की थी, फिर नई पीढ़ी में अमित भगत इसको आगे लेके चल रहे हैं। और इस दुकान की खास बात ये है कि आपको यार ये कहीं नहीं मिलेगी। इस दुकान में आपको सरना भजन की आपको किताब भी मिल जाएगी, कहानियाँ भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसमें दिखाइए निखिल, देखिए यहाँ पे कुड़ुखर गही नेमा, ये जो है कुड़ुक भजन एवं पारंपरिक गीत है। और देखिए इसको लिखा है अमित कुमार भगत, मतलब हमारे साथ जो अमित है ये अमित नहीं लिखा है, अब भजन भी लिखते हैं अमित। हाँ, एक्चुअली मेरा शुरुआत जो था इसमें फील्ड में, जैसे कि हम मैट्रिक लिखे थे 2007 में, तो उसके बाद जो हमारा लगाव इसमें देखे कि हमारे अपने समाज के प्रति ज़्यादा बढ़ने लगा। हम घूमते थे सब बाबा लोग साथ में कि यहाँ वहाँ जाते थे, तो इससे लगाव बढ़ा। तो हम देखे कि उस समय ये नहीं मिलता था, आपका किताब उताब लिखा हुआ कहीं नहीं था उसमें, बहुत कम ही मिलता था जो कि हमको हम लोग के जैसे लोग देख के पढ़ के गा सके। तो जैसे ये किताब ही हम लोग लिखे थे 2012 में लिखा हुआ, देखिए मेरा ये 2012 में लिखा हुआ है। तो 2012 में ये हम लोग फर्स्ट टाइम लिखे तो वो काफ़ी लोग पसंद किए, और इसमें जितनी भी भजन उजन है जितना भी है हम लोग का बहुत चहेता गाना सब इसमें है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए। ये पार्ट वन हुआ, कुड़ुखर गही नेमा का पार्ट वन ही मेरा पहला किताब हुआ, ये मेरा दूसरा किताब हुआ। तो अच्छा अमित, यहाँ पे सीरा सीता नाले का भी संक्षिप्त इतिहास आपने दिया है। ये हमारा नहीं है ये, बट ये हमारे फादर का लिखा हुआ है, जैसे शिव प्रकाश भगत हमारे पिता हुए, तो ये देखिए हम उनका लिखा हुआ, ये पहला किताब उनका हुआ क्या आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, इसको भी पढ़िए आप एक बार, अपने धर्म समाज को जानने के लिए थोड़ा दिया का काम करेगा। और ये भी सीरसीता हम लोग जानते हैं कि हमारा अभी धार्मिक स्थल जो सबसे बड़ा स्थल है सीरसीता नाले नू बोलते हैं, तो मतलब ये कुड़ुक वर्ड है सीरसीता नाले नू, मतलब सीरसीता गाँव का एक दोन में ये होता है ये इसका। चलिए तो यहाँ पे आपको कपड़ों के साथ साथ थोड़ा सा आदिवासी समाज को भी सीखने और समझने का आपको जगह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुड़ुक में गीत मिल जाएंगे, भजन मिल जाएंगे। और ख़ास बात यहाँ पर और भी है कि यहाँ पर आपको लड़कियों के लिए यहाँ पर आपको आभूषण भी मिल जाएंगे, जो खासकर साड़ियों के साथ लोग जब जुलूस में जाते हैं हमारी बच्चियाँ या महिलाएँ या लड़कियाँ, तो वो पूरे सेट में तैयार होकर जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, साड़ी के साथ साथ जो आभूषण है जो अभी चलते हैं साड़ियों के साथ वो सारे मिल जाएंगे। आभूषण क्या क्या है आपके पास अमित? उससे पहले ये दिखाते हैं आपको। अच्छा ये बैग है, देखिए बैग ये देखिए ये बैग है हमारे पास, देखिए ये आप खुद भी पहन के देख सकते हैं उसको। आप पहन लीजिए, हम लोग देख लेते हैं पहन के। बच्ची लोग देखिए इस तरह का बहुत पसंद करते हैं लोग, है ना, इस तरह का अलग अलग आपका बहुत सारा बैग है हमारे पास। साथ इसके अलावा हम लोग एम्ब्रॉयडरी में भी काम करते हैं, जैसे देखिए ये देखिए ये हमारा खुद का कारखाना है। अच्छा। जिसमें हमारा बनता है इस तरह का चीज़। तो ये सारे डिज़ाइन कौन तैयार करता है? कि हमारी एक तो ये है सहयोगी है स्नेहा खलखो, वो इस डिपार्टमेंट देखती है, बैग वाला डिपार्टमेंट वो देखती है। तो उन हाँ, और देखिए सरहुल के लिए खासकर यहाँ पे तैयार किया गया है ये बैग,
और लोग जब जाते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाती है, एक पानी का बोतल ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी बैग आप ले सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ये ट्रेडिशनल लुक ही दे रहा है। आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल है कलर रेड एंड वाइट, उसी में ये तैयार किया गया है। अमित, इसका दाम क्या है? 200, मात्र 200। ये खुद का तैयार किया हुआ है और इसका फिनिशिंग वगैरह कोई मतलब, देखिए चेन वगैरह भी बहुत स्मूथ है ना। इस तरह का और भी डिजाइन है, 4-5 डिजाइन मिलेगा इसमें भी। इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन के साथ मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सरना भजन हमने देख लिया है, यहाँ पे अंदर में लड़कियों के लिए आभूषण आपको दिख जाएंगे, गले का हार, कान का हार, चूड़ियाँ जो बिल्कुल लाल पाट साड़ी के साथ सेट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। लड़कियों के आभूषण के बाद, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि अमित के जो दादू हैं, जो बाबा हैं, उन्होंने जहाँ से काम शुरुआत की थी, मतलब लॉकेट से या फिर चाबी रिंग से, वो सारी चीज़ें अब भी इस दुकान में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कपड़ों में आ गए हैं तो पुरानी चीज़ें भूल गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा इन्हें दिखाइएगा, ये सारे यहाँ पे चाला माँ के आपको बहुत सारे लॉकेट मिल जाएंगे, बहुत सारे चाबी रिंग मिल जाएंगे, और यहाँ पर चाबी के साथ जो हम रस्सी यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी और ये देखने से ही लग रहा है कि एकदम आदिवासियों का है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ पे जय चाला इंटरप्राइजेस में ही मिल सकती है। ये कहीं और भी मिलेगा अमित? हाँ, ये हमारे पास सारा आइटम सभी के पास नहीं मिलेगा, कुछ कुछ आइटम किस कहीं मिल सकता है, बट हमारे पास इस रिलेटेड में सारा चीज़ मिलेगा। आपका सरना धर्म से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए, जय चाला इंटरप्राइजेस संपर्क कीजिए, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए खास बात इस दुकान में जो हम आज तक देखे नहीं है, बहुत सारी दुकानों का मैंने कवरेज किया है, यहाँ पे बड़ा घड़ी तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाथ के लिए भी घड़ी मिल जाएगा। और ये बिरसा मुंडा यहाँ पे बना हुआ, और ये भी सीधा चल रहा है, हम सीधा ही कहेंगे, ये भी सीधा चल रहा है। हाँ, तो बच्चों के लिए यहाँ पे घड़ी मिल जाएंगी, बड़ों के लिए भी घड़ी है क्या? ये बड़ों के लिए भी है? तो ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए क्या है? ये सभी लोग पहन सकते हैं, लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं, इसमें आप भी पहनेंगे देखिए बहुत सुंदर लगेगा। चलिए तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये बिरसा मुंडा यहाँ पे बना हुआ है और ये दाएं से बाएं की ओर घूम रहा है, यानी कि दीवाल घड़ी के साथ साथ, दीवाल घड़ी को तो आप पहन के नहीं घूम सकते, लेकिन ये हाथ में पहनने के लिए ये अमित ने नई चीज़ें बनाई हैं। और देखिए लगभग पूरा दुकान हमने अभी दिखा दिया है कि इस दुकान में जय चाला इंटरप्राइजेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। ये अमित का ये दूसरा ब्रांच है और इस दुकान में शादी का सामान से लेकर, बच्चों के सामान से लेकर, आपको बंडी, टी शर्ट, सरहुल के लिए हर वो चीज़ मिल जाएगा जो आपको सरहुल में ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको चाबी रिंग भी मिल जाएगा, यहाँ पर लॉकेट मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपको सरहुल के लिए, सरहुल में पूजा करने के लिए यहाँ पर आपको फ्रेम भी मिल जाएगा, सिरा सीता नाले का भी फ्रेम है, यहाँ पे सरनामा का भी फ्रेम है, यहाँ पे डंडा कट्टा का भी फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आप अपने घर में सजाना चाहते हो, क्योंकि सरहुल में लोग घर को पोचाड़ा वगैरह करते हैं, नए ढंग से सजाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये फ्रेम भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दूसरी खास बात, हम एकदम वीडियो के आखिरी पायदान में हैं, आपको यहाँ पे मांदर भी मिल जाएगा, मतलब साड़ी पहन लेना है, जुलूस में जाना है तो नाचते गाते जाने के लिए आपको यहाँ पर मांदर भी मिल जाएगा। मांदर तो आप शुरू से रख रहे हैं अमित? हाँ, मांदर सबसे पहले हम लोग लगता है यहाँ पर रांची में, हमारा ही पास ही रहता था, जहाँ जैसे कि आदिवासी हॉस्टल में कम से कम 10 से 20 मांगते थे पहले। हाँ। हमारे यहाँ से जाता था, एक सीजन में कम से कम हमको लगता है 150 से 200 पीस बेचते थे हम लोग। ये गुमला वाला मांदर है? गुमला मांदर है, सबसे टॉप मांदर सुने हैं गुमला। हाँ। गुमला का मांदर गीत भी है इसमें, गुमला का मांदर की नहीं देखे आयो करके, है ना। ये मांदर के गुमला के किस इलाके में मिलता है अमित, ये मांदर कहाँ से लाते हैं? खास गुमला का अगल बगल क्षेत्र में मिलता है, जैसे कि मतलब क्या बोलेंगे उसमें, थोड़ा गांव इलाका में मिलता है ये। गुमला का लगभग 20-25 किलोमीटर का रेडियस में ये सब ज़्यादातर बनता है, और ख़ासकर कुछ इलाका छत्तीसगढ़ में भी है। अच्छा। छत्तीसगढ़ सटा हुआ है हमारा वहाँ से, गुमला से, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। गुमला का अगल बगल मतलब 24 किलोमीटर के लगभग, 20 किलोमीटर लगभग रेडियस में मिलेगा आपको। अभी कितना ऑर्डर किए हैं सरहुल के लिए? ऑर्डर अभी लगभग, अभी तो 50 लगभग ऑर्डर है अभी,
तो अभी और भी लोग मांग रहे हैं। हमारा ये सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है ना कि जैसे बाहर से मांगते हैं लोग, तो हम लोग डिलीवरी सिस्टम नहीं, दिक्कत हो रहा है इसमें, क्योंकि ये मट्टी का बना हुआ रहता है और टूटने उठने का दिक्कत होता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है इसमें, बाकी हमारे पास मांग तो इतना है कि हम अभी पूरा नहीं कर पाते हैं। फिलहाल अमित के पास जो मांदर है गुमला से आया है, तो कितना अच्छा बजता है, और अमित भजन भी गाते हैं तो कितना लिखने के साथ साथ गा पाते हैं। अमित एक थोड़ा सा हो जाए, मांदर का साउंड भी हम समझ लेंगे, हमारे दर्शक भी समझ लेंगे, थोड़ा आपके भजन को भी सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कला कला धर में छा छेड़ा बेचा, कला कला धर में छा छेड़ा बे, चारे कला धर में छा छेड़ा बेचा, कला कला धर में छा छेड़ा बेचा, कला कला धर में छा छेड़ा बे, चारे कला धर में छा छेड़ा बेचा। सीरा सीता नाले गंगा लाही खाड़ी नूम, कला धर में छा छेड़ा बे, चारे कला धर में छा छेड़ा बेचा। सुने गही ताड़ी डंडा नुम छा छेड़न ओकता, कला धर में छा छेड़ा बे, चारे कला धर में छा छेड़ा बेचा, कला कला धर में छा छेड़ा बेचा, कला कला धर में छा छेड़ा बे, चारे कला धर में छा छेड़ा बेचा। चलिए बहुत खूब। तो अमित ने जो गुमला से मांदर जो आता है उसका साउंड भी हमें बता दिया है, जो भजन यहाँ पे लिखी गई है उसके भी यहाँ पे एक दो शब्द सुना दिए हैं। हम लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।